मसला है एक करण, ये ही तो है, यही तो है फैमिली प्रण। वेल, हुमा वाकई तुम पर गई है। बॉबी, ये तुम क्या कर रहे हो? मामा, मैं लूडो तो नहीं खेलने आया था, वो मैं तो आया था कि उमा अकेली थी, तो एक और एक 11 होते हैं ना। पॉपी, तुम्हारी मैथ्स कितनी कमजोर है, एक और एक 2 होते हैं, 1 + 1 = 2। उमा, कल तुम्हारा पर्चा है, तैयारी कर ली है ना? जी, पूरी तैयारी कर ली है मैंने, कपड़े भी इस्त्री कर लिए और मैंने जूते भी पॉलिश कर लिए। जब से इम्तिहानात टीवी पर दिखाए जाने लगे हैं ना, इम्तिहानों की तैयारी अब ब्यूटी पार्लर्स में होना शुरू हो गई है। माँ, बेटा अगर तुम पास होगी ना तो तुम्हारे पापा तुम्हें बॉबी की तरह गाड़ी लेके देंगे। हाँ मामा, ये कहें कि अगर फेल हो जाएगी तो मेरी तरह की कार लेके देंगे। बेटा, तुम्हारा पर्चा कौन सा है सुबह? साइकोलॉजी का, मैं लेके आया था ना डेट शीट। हुमा, तुम पास तो हो जाओगी ना? इस दफा तो हुमा कॉलेज का रिकॉर्ड तोड़ देगी। नहीं नहीं, मेरी बात बॉबी, देखो इसको समझाओ। अब देखो हुमा, बॉबी की तरह तोड़ फोड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, इम्तिहान देना और घर आ जाना, कुछ ना तोड़ना प्लीज। हमारा मतलब था कि इस दफा हुमा बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएगी। अच्छा, भला ये तुम कैसे कह सकते हो? है वो हमने खुशिया से पर्चा तो नहीं आउट करवाया, अब वो मैं उमा को पढ़ा रहा था, मुझे साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरह आती है, सारे कॉलेज वाले मुझ पर साइकोलॉजी पढ़ते हैं, जैसे शऊर, लाशऊर, फिर शऊर और लाशऊर। तुमने देखा मेरा बेटा कितना जहीन है? मामा, मैं इतना जहीन हूँ कि किसी को पता नहीं चलने देता कि मैं कितना जहीन हूँ। सुंबल भाई आजम ने कहा है कि बच्चे जब पढ़ रहे हो तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बाद में कर लेंगे। आओ। अच्छा ठीक है, बंद करो ये लूडो, चलो। खुशिया पर्चा लेके कब आएगा? मुझे तो साइकोलॉजी का एक लफ्ज नहीं आता। मुझे तो साइकोलॉजी के बहुत से लफ्ज आते हैं। साइकोलॉजी पी से शुरू होती है, पहले पी, जैसे चाय पी, पानी पी। कब आएगा? कहाँ है? तुम नहीं है, तुम यहाँ हमेशा करते हो, देर कर आते हो, मुझे पता है। आ गया। अस्सलाम वालेकुम। पहचाना नहीं? पहचाना? पहचान तो लिया आपने। मौला खुश रखे, प्रोफेसर लग रहा हूँ ना। वैसे 2-3 साल प्रोफेसर रहा भी हूँ। प्रोफेसर आमल नजूमी, हाँ, लोग मुझे हाथ दिखाते थे, वो समझते थे हम इसको हाथ दिखा रहे हैं, हालांकि मैं उनको हाथ दिखाता था। यार मेरे पर्चे का क्या बना? मौला कुछ रखे यार, हुमा पर किसने पर्चा दे दिया? लड़कियों पर पर्चे अच्छे नहीं होते, लड़कों की और बात है, लड़कों पर जब तक कॉलेज में 2-3 पर्चे ना हो, घर वाले यही समझते हैं कि हमारा बच्चा पाबंदी से कॉलेज ही नहीं जाता। खुशिया, हुमा का सुबह इम्तिहान है, तुमने इसका पर्चा लाना था। खुश रखे, इम्तिहान तो मेरा था और मैं उसमें हो गया कामयाब, ये ले रखे। उफ, शुक्रिया खुशिया। ये तो MSc साइकोलॉजी का पर्चा है। मौला खुश रखे, MSc का पर्चा है। आप तो खुश हो कि मैं आपको तरक्की करवा रहा हूँ उसी रेट पर, आप मेरी माने आप सीधा MSc का पर्चा दें। मेरा तो FA का पर्चा है। मौला खुश रखे, आपको मैंने पहले भी कहा पर्चों के चक्कर में ना पड़े, आपको मैं इतने पैसों में ना FA की डिग्री ले देता हूँ। चले, आप पुराने ग्राहक हैं, आपको इन पैसों में मैं आपको MA करवा देता हूँ, मुझे तलीम फुलाने का बड़ा शौक है। तो मेरे पुराने कई मुलाजम ऐसे अफसर हैं जिनके वाले चिट्टे अनपढ़ थे, मैंने उनको MA MA इकट्ठा करवा के दिया है, जो 2 MA करता है ना उसको ½ MA की डिग्री मुफ्त देता हूँ। बचड़ा, MA हुआ 16 जमातों का और ½ MA 8 जमातों का हुआ ना। तुमने तो फोन
पे कहा था कि जिसने पर्चा बनाया तुम्हारे बहुत करीब है। माला गुजरा के मैंने कौन सा झूठ बोला था, जब मैं आपके साथ बात कर रहा था ना वो बिल्कुल मेरे करीब बैठा हुआ था। अगर आपने एमएससी नहीं करनी ना तो आप इम्तिहान दे, बूटियां आपको मैं भिजवा दूंगा। जड़ी बूटियां नहीं, मेरा बॉटनी का नहीं साइकोलॉजी का एग्जाम है। साइकोलॉजी का पर्चा है, फिर तो मसला ही हल हो गया। तुम्हें साइकोलॉजी आती है ना? हाँ आती है, टीचर साइकोलॉजी पढ़ाते हुए मेरी मिसाइलें देते हैं। अब नॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ाते हुए ना। मालूम कुछ रखे, आपको साइकोलॉजी आती है, मसला ही हल हो गया। आपके लिए पर्चा मुश्किल होगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर हमारा पर्चा तुम दे दो। जी जी। जी अब जाओ, मेरा एग्जाम शुरू होने वाला है। जाओ ना। अफसर, कमरा इम्तिहान देख मुझे अपने बचपन का जमाना